नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड के दिव्यांग एक बार फिर से धरना को लेकर के आगे बढ़ गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मांग है वो पूर्ण हो। पिछले आप बता दें कि 108 दिन तक लगातार ये लोग धरना पे बैठे थे, फिर चुनाव का दौरा है और चुनाव के टाइम उन्होंने अपना धरना जो है स्थगित कर दिया और पुनः चुनाव खत्म होने के बाद फिर से अपनी मांग को लेकर के धरना पे बैठ गए। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ कि ये राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल है, यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौहान। ओम प्रकाश जी, धरना पर वापस फिर से क्या जरूरत पड़ेगी? 108 दिनों बाद फिर से आप लोग बैठे हैं। बिल्कुल, हम लोग 108 दिनों तक लगातार उस ठंड में, बारिश में मार्च के महीने तक बैठे और 17 मार्च को हम लोग धरना से उठ गए क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया, चुनावी आचार संहिता। तो संविधान हम लोग के लिए भी उतने ही हम बराबर है, हम लोग को भी मानना पड़ेगा। इसको लेके हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया कि आप लोग को उठना पड़ेगा क्योंकि नियम है यही। तो हम लोग भी धरना को स्थगित कर दिए और फिर उसके बाद हम लोग आचार संहिता के बाद पुनः सभी मंत्री विधायक से मिलने का काम किए और उन लोगों को लेटर के माध्यम से बताने का काम किए कि आप हम लोग को 108 दिन धरना दिए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोग पुनः धरना देंगे अगर आप लोग सुनवाई नहीं कीजिएगा। तो अभी तक एक महीना हो गया लेटर दिए हुए, उसके बाद भी उन लोगों का कोई विचार सामने नहीं आया अभी तक। तो हम लोग पुनः फिर से यहाँ धरना देने के लिए कल आज से बैठे हुए हैं। मांग क्या क्या आप लोगों की? हमारी मांगे जायज़ है और संवैधानिक है। हमारे सबसे पहला मुद्दा तो है पूरे राज्य का पेंशन का मुद्दा, जिसमें माननीय अभी के जो मुख्यमंत्री हमारे हैं हेमंत सोरेन जी, उनके द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में 2019 में बताया गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपया किया जाएगा, जो कि आज उनकी सरकार आई और आज पूरे 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक 1 रुपये भी बढ़ाने का काम नहीं किया। जबकि महंगाई भत्ता से भी अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष पेंशन बढ़ना चाहिए था, जो कि एक बार भी नहीं बढ़ाया गया। तो क्या लगता है कि वापस धरना पे बैठ रहे हैं, सरकार तक बात पहुँचेगी? बिल्कुल, हम लोगों ने सरकार को बराबर लगातार संकेत अपने दिए हैं। भी दो दो बार हम लोग का धरना के द्वारा विधानसभा का घेराव हो चुका है, 3 बार रोड जाम हो चुके हैं, हम लोग थाली पीट भी चुके हैं राजभवन और प्रोजेक्ट भवन में, मुख्यमंत्री आवास में भी। तो इस तरह का बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारे मंत्री विधायक सांसदों को हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है कि हम लोगों का मांगों पर विचार किया जाए और बहुत सारे विधायक सांसद लोगों का आश्वासन मिला है कि आप लोग को मांग को पूरा किया जाएगा। अब देखते हैं। तो ये ओम प्रकाश चौहान है जो कि दिव्यांग लोगों के आवाज़ बनकर यहाँ बैठे हैं धरने पर राजभवन के समक्ष। उनका कहना है कि हमारी जो मांग है और जो पूर्व में हेमंत सोरेन ने 2019 में जब सरकार का जो चुनाव हुआ था उसमें वादा किया था कि दिव्यांगों को बेहतर सुरक्षा उनका जो है मुहैया करा जाएगा, सुविधा मुहैया करा जाएगा, अब उस चीज़ को लेकर के अब ये लोग धरना पे बैठे हैं कि हमारी जो मांग है वो आखिर कब तक पूरी होती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तापस को दीजिए इजाजत, देख रहे न्यूज बाइस्कोप, धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।